यह नजारा रतनपुर नगर पालिका की थोक सब्जी मंडी का है, जो मुख्य मार्ग पर बीचों बीच लगाई गई है। यहाँ पर गरीब किसान अपनी सब्जियां लेकर दूर दराज से थोक सब्जी व्यापारियों को बेचने आते हैं। नगर पालिका के ठेकेदार द्वारा बकायदा इनसे वसूली की जाती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर गरीब किसानों की जान को खतरे में डाल दिया जाता है। ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा बरसों से चला आ रहा है, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को केवल रुपयों से ही मतलब है, किसी की जान जाती है तो जाए। रतनपुर कोरबा रोड पर भी ऐसा ही हालात होते हैं। 15 साल हो गए हम लोग को लेके आते। कितने बजे आते हैं आप? कितने बजे लेके जाते हैं? हम लोग घर से 7 बजे निकलते हैं, 8 बजे पहुंच जाते हैं बिलासपुर से। तो क्या आपको फायदा होता है सब कुछ? अब मिल जाते हैं सर, अब अपने रोजी रोटी फायदा हो जाते हैं। कहाँ से आ गया आप यहाँ पे? मैं भी सेंद्री से आया हूँ। क्यों आए यहाँ पे? सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पर बरबट्टी, लौकी, करेला, तरोई, भिंडी, भाटा। यहाँ कहाँ से आता रतनपुर सब्जी? यहाँ गाँव का आता है। हर बार यहाँ लेने आते हैं? हाँ जी। कहाँ लेके देते हैं? इसको बिलासपुर ले जाते हैं। चतमा से आते हैं, ताज़ा ताज़ा सब्जी यहाँ मिलता है, इसीलिए आता हूँ। इसको कहाँ ले जाकर बेचते हैं? भेलोडी, बाकी मोगरा, रतकम्मा। यहाँ किस तरह सब क्या क्या सब्जी मिलता है यहाँ आपको? करेला है, बरबट्टी है, खीरा है, तरोई, सब्जी। नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद भी किसानों से लाखों रुपए सालाना महज बीच चौराहों पर सब्जी रखकर बेचने और खरीदने के नाम पर वसूला जाता है। लेकिन जिन लोगों से भाड़ा वसूला जाता है उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है। हनुमान दास शास्त्री की माने तो रोज तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही बनी होती है और बीचों बीच सड़क पर सैकड़ों की तादाद पर व्यापारी और सब्जी लाए किसान लगे होते हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से सब व्यापारी लोग, कोरबा से, बिलासपुर से, बाकी मोगरा से, कटोरा से और आसपास के जितने भी जो व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अच्छा दाम पे बिकता भी है और हमें किसान लोगों को अच्छा फायदा भी मिलता है। यहाँ नगर पंचायत कुछ सुविधा देता है क्या? कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर, सब पूरा देखिए सामने में रोड पर लगा रहे हैं। सुविधा होता तो क्यों रोड पर लगाते? यहाँ पर तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, जान मान का दुर्घटना हो सकता है। बहरहाल वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, लेकिन नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अधिकारियों व स्थानीय प्रशासन को किसानों की समस्या दिखलाई नहीं पड़ रही है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इस खतरनाक सब्जी मंडी को कहीं और व्यवस्था की जाए। सिटी न्यूज के लिए रतनपुर से जुगनू तंबोली की रिपोर्ट।